Good morning, dear students. So, today uh, we will start our Marigold Unit 4. And in Unit 4, first we have a poem named Why. So, now we will, uh, today we will read our poem Why. Okay, now first we will, I will recite the poem and then we will understand the meaning of our poem. Why? I know a curious little boy, Who is always asking Why? Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? He wants to know why wood should swim, Why lead and marble sink, Why sun should sh shine and wind should blow, And why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. Why sink the sun behind the hills and why the flowers die? Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others know one ever yet has found the reason why. So now we will understand what is uh, the meaning of our poem. आई नो अस लिटिल बॉय क्यूरियस मीन्स दो पर्सन और दो नो समथिंग क्या है क्यूरियस क्या है एक जो इसमें एक लड़का है लिटिल बॉय उसको क्या है हर चीज जानने की इच्छा है ठीक है ही वॉन्ट्स दैट ही शुड नो दंसर ऑफ वाय एवरीथिंग और एनीथिंग हैपन्स सो हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई अ लिटिल बॉय क्या कर रहे हैं वो हमेशा वो क्या पूछते हैं हर बात पे उनका आंसर क्वेश्चन क्या होता है वाई वाई दिस वाई दैट वाई देन वाई नाट वाई ना वाई नाट वाई बाय द बाय तो क्या है हर चीज के क्वेश्चन में वो क्या करते हैं पूछते हैं वाई ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा कैसे हो रहा है ऐसा कब हो रहा है ऐसा किस लिए हो रहा है ठीक है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है तो क्या है इस तरीके से वो जो लिटिल बॉय है वो हमेशा हर चीज का आंसर जानना चाहता है ठीक है हर चीज का कारण जानना चाहता है ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम वो क्या है वो जानना चाहता है जो वुड है जो लकड़ी है वो क्या है पानी में तैरती है स्विम करती है ठीक है वाई लेड एंड मार्बल सिंक और जो लेड और मार्बल है वो उसमें पानी में डूब क्यों जाते हैं वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो और सनशाइन क्यों करता है और विंड क्यों बहती है क्यों ब्लो करती है एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक और हम खान, हम कोई भी चीज खाते या पीते क्यों हैं ठीक है ही वॉन्ट्स टू नो वट मेक्स द क्लाउड्स वो क्या जानना चाहता है क्लाउड्स को कौन बना रहा है एंड वाई दे क्रॉस द स्काई और वो क्या है स्काई को क्रॉस क्यों करते हैं ठीक है वाई सिंग्स द सन बिहाइंड द हिल्स और जो सन है वो क्या है बिहाइंड हिल्स क्यों छुप जाता है ठीक है क्यों वहाँ पहाड़ों के पीछे चला जाता है जैसे उसमें डूब गया हो पहाड़ों में ठीक है हिल्स के बीच एंड वाई द फ्लार्स डाई और फ्लार्स क्यों डाई क्यों मर जाते हैं ठीक है सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई क्या है जो इसमें से कुछ वाई के जो आंसर्स हैं इसका कारण इसका क्या है आंसर इतना ज्यादा हार्ड नहीं है अगर हम उसको फाइंड करना चाहें ठीक है अदर्स नो वन एवर येट और कुछ जो वाय है कुछ ऐसे क्वेश्चन uh, हैं जिसका आंसर क्या है अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है ठीक है तो ये हमारी पोएम थी वाई तो so, क्या है दिस इज द क्वालिटी आई विल से क्या है ये क्वालिटी है जो हर बच्चे में हर बच्चे में होनी चाहिए वाई उसको उसके अंदर uh, एक uh, क्या है फीलिंग होनी चाहिए दैट वाई

आप सभी के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप हर चीज का आंसर जानना चाहो ठीक है? हेल्प यू टू ग्रो वेरी यूनिफॉर्मली इन एवरी फील्ड ठीक है आप किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ को आप पढ़ना चाहते हो क्या है जो क्वेश्चन है वाई अगर आप इसके अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएंगे तभी आप क्या है उस चीज को जानने की और आगे बढ़ने की इच्छा रखोगे ठीक है नाउ The poem is uh, now our poem is finished. So, you read this poem and uh, enjoy this poem. Okay, thank you.